हेलो एंड वेलकम टू एजुटेक। मैं हूं आपका दोस्त मोहित। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि मैंने आप सभी को बोला था अपनी पुरानी वीडियो में कि SBI PO का जो रिज़ल्ट है वो अपडेट हो चुका है और बन के रेडी हो चुका है, और थर्सडे इवनिंग तक वो रिज़ल्ट पब्लिश कर देंगे। तो उस टाइम पर किसी स्टूडेंट ने उस बात को सीरियसली नहीं लिया था। तो आज थर्सडे इवनिंग है और आज ही रिजल्ट आया है अप्रोक्स 6 बजे के आसपास। और अगर आपको आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर जाके वो वीडियो चेक कर सकते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि मैं सच बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने जो बोला था वही हुआ है, यानी कि जो मेरा जो दोस्त के जो फादर थे उन्होंने जो बताया था वो सही था। बात करते हैं मेरे नए रिजल्ट की। तो मेरा रिजल्ट क्या रहा है, मेरा जो है वो क्लियर नहीं हुआ है और ये इस साल का अप्रोक्स 8वां एग्ज़ाम है जो क्लियर नहीं हुआ है। बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, बहुत मतलब बता नहीं पा रहा हूँ आपको। ठीक है, बयान नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं ही जानता हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन एक बात की खुशी है कि मेरा जो दोस्त है उसका एग्ज़ाम क्लियर हो गया है और आई होप कि उसका मेंस निकल जाए और फाइनल सिलेक्शन तो वो पहुँचे। मुझे उसका बहुत बहुत खुशी हो रही है उसके बारे में, क्योंकि अप्रोक्स वो 6 साल से कोशिश कर रहा है और अब जाके उसका ये एग्ज़ाम निकला है। तो आई होप गाइस कि आप सभी भी तैयारी कर रहे होंगे, और जो बच्चे मेंस जिनका प्रीलिम्स निकल गया है, जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको बता दूं, क्योंकि मैंने इसी चैनल पर RRBPO, RRB क्लर्क और मतलब जितने भी पुराने एग्ज़ाम हुए हैं बैंकिंग में उन सबके कंप्यूटर अवेयरनेस जो प्रीवियस ईयर आई हुई हैं वो मैंने डाली हुई है इस चैनल पर। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो चेक कर लें। ठीक है, और अभी RRBPO में जो और SBI क्लर्क में जो मेंस में जो जनरल अवेयरनेस आई थी वो क्वेश्चन भी मैंने डाले हुए हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं वीडियो की सीरीज में जाकर। अब बात करते हैं मेरे स्कोर कार्ड के बारे में। तो मेरा स्कोर कार्ड क्या रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। मेरा स्कोर कार्ड, हाँ ये रहा मेरा स्कोर कार्ड, ये रहा है। और एक और बात, जिस भी स्टूडेंट ने अपना रिजल्ट अभी तक चेक नहीं किया है वो मेरी पुरानी वीडियो पे या तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर आपको वीडियो में जाकर वही लिंक मिल जाएगी जो एक दिन पहले र्यूमर्स फैला था कि ये लिंक है, वही उसी लिंक पर क्लिक करके आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो। ठीक है, आपको क्या करना है, रोल नंबर और या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर ये कैप्चा फिल करना है, फिर सबमिट कर देना है। ठीक है, आपका रिजल्ट शो हो जाएगा। तो मैंने जो है 51 अटेम्प्ट करे थे और 51 में से मेरे 47.25 मार्क्स आए हैं, जिसमें से मेरा क्लियर नहीं हुआ है। हालांकि मैं जनरल कैटेगरी से हूँ और जनरल कैटेगरी वालों को तो पता ही है आपकी एग्जामिनेशन फीस भी बहुत ज़्यादा लगती है। अप्रोक्स 850 रुपये लगते हैं, 750 शायद SBI में और 850 IBPS में। तो एक बेरोजगार आदमी के लिए वो भी बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, और फिर उसका एग्ज़ाम भी नहीं क्लियर होता तो उसको डबल फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। ठीक है, तो दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब है फिलहाल तो। लेकिन आगे आगे बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे अभी IBPS क्लर्क है और IBPS PO भी मैंने दिया है, तो आई होप कि उसमें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये था स्कोर मेरा। और ST कट ऑफ गई है 54.75, ST की 49.25, OBC की 61.25, EWS की 62.75, जनरल की गई है 63 और मेरे हैं 47.25। तो नॉर्मलाइजेशन हुई है नहीं हुई है इसका मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, ना ही मुझे दिखा है कभी। हालांकि हुई है कि मेरे जो दोस्त उसके 4 मार्क्स बढ़े हैं और उसके 65 मार्क्स हैं। अगर आप चाहोगे तो मैं उसके आपको स्कोर कार्ड दिखा दूंगा, अगर आप बोलोगे तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा। और भी मैं बहुत सारी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।